हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मोटर जॉन पे, और मैं हूं आपका साथी संजीव स्वामी। दोस्तों, ये है MG की ZS EV का न्यू वेरिएंट, ऑल न्यू ZS EV। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल में क्या क्या जो है चेंजेज हुए हैं, क्योंकि ये जो है ऑलरेडी ZS की EV जो है वेरियंट आता था, बट इसके अंदर जो है अब कुछ और चेंजेस कर दिए कंपनी ने, जो वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में आपको इसकी एक एक डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखना, और दोस्तों अगर आपको टेस्ट ड्राइव वगैरह भी देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको जो है जल्दी इसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, मैं अगर इसका फ्रंट से स्टार्ट करूँ तो कुछ इस टाइप का इसका डिज़ाइन है। MG का लोगो यहाँ पे फ्रंट में मिलता है, इसके नीचे ही जो है ये 360 डिग्री कैमरा का जो है ये फ्रंट कैमरा मिल जाता है, और इसकी जो ग्रिल है वो पूरी की पूरी कंबाइन हो गई है। पहले जो है इसकी ग्रिल है दो अलग अलग पार्टों में आती थी। और दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे पहले क्या होता था, MG के लोगों के साथ ही इसकी जो है चार्जिंग सॉकेट आता था। अब इन्होंने क्या किया, चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पे रख दिया। ये देखिए, यहाँ पे ये चार्जिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर ये फास्ट चार्जिंग के लिए है, ये फास्ट चार्जिंग के लिए है, ये घर पे चार्जिंग करने के लिए सॉकेट है, जिसके अंदर आप 15 वोल्ट के पावर सॉकेट से आप चार्जिंग कर सकते हो। ये कुछ इस टाइप का यहाँ पे डिज़ाइन मिल गया, और यहाँ पे जो आपको इसका टोइंग हुक देखने को मिल जाता है, और फ्रंट नीचे जो है आपको कुछ इस टाइप की इसका प्लेट मिल जाती है। नीचे ये वेंटिलेशन के लिए जो है ग्रिल दी गई है, और इसके नीचे ये कुछ इस टाइप का डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। देखिए एक बार पूरा का पूरा आपको लुक दिखा देता हूँ मैं, कुछ इस टाइप से इसका लुक है। और अगर मैं साइड प्रोफाइल में बात करूँ तो साइड में भी आपको ये यहाँ पे जो एयर डैम दिया गया है आपको, जिसे आपको जो है टायर वगैरह गर्म न हो और न हो। और उसके ऊपर जो है सबसे बड़ा चेंज मुझे ये नज़र आता है, इसकी जो है हेडलाइट यूनिट, ये जो आपको पूरी की पूरी DRL यूनिट दी गई है। इसके नीचे आपको जो प्रोजेक्टर LED हेडलाइट यूनिट दी गई है, जो बहुत ही शानदार दिखती है, और मुझे उम्मीद है ये रात को काफ़ी हेल्प करेगी ड्राइविंग के अंदर। और ऊपर जो है इसके कर्व कुछ इस टाइप के जो है कर्व दिए गए हैं, जो लुक ऑलमोस्ट सेम सही है इसका ऊपर का लुक। ऊपर है यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपको रेन सेंसिंग वाइपर दिए गए हैं, उसका जो है पार्किंग सेंसर है वो ऊपर दिया गया है। इसके बाद में साइड प्रोफाइल से बात करें तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल की बेजिंग आपको देखने को मिल जाएगी, और इसका जो चेंज है वो इसके टायर में मुझे कहीं ना कहीं नज़र आता है। इसके अंदर जो है 17 इंच के टायर मिलते हैं, जिसकी प्रोफाइल है 255 R17, और इसके टायर का डिज़ाइन है वो काफ़ी गुड लुकिंग डिज़ाइन लगता है, और वास्तव में बहुत ही अट्रैक्शन वाला चीज़ देखने को मिलता है। उसके बाद में दोस्तों आता है इसका ORBM का, यहाँ पे वाइट कलर बॉडी कलर का ORBM मिलता है, जिस नीचे जो ब्लैक कलर मिलता है, और इसके नीचे ही आपको जो है यहाँ पे जो 360 डिग्री कैमरे का ऑप्शन मिल जाता है। ये 360 डिग्री का एक कैमरा है जो दोनों ORBM पे है, और आगे और पीछे और कुछ इस टाइप का जो है साइड से डिज़ाइन है। और ये जो डिज़ाइन है, जो पहले EV आती थी सेम इसकी ही लगभग सेम है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है यहाँ पे है। ये क्रोम की ग्रिल दी गई है, ये ग्रिल यहाँ तक जाती है, और डोर हैंडल पे आपको जो है यहाँ पे क्रोम का वर्क दिया गया, और नीचे भी आपको जो क्लेडिंग दी गई है वो भी क्रोम की क्लेडिंग दी गई है, आप देख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों, अगर मैं इसकी ग्लास एरिया की बात करूँ तो ग्लास एरिया पे यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है, ग्लास एरिया काफ़ी बड़े बड़े हैं, और इसका जो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग हो जाए, तो इस हिसाब से जो है इसका डिज़ाइन किया गया है। देखिए, और अगर मैं आपको इसके रियर प्रोफाइल की बात करूँ तो रियर के अंदर कोई ज़्यादा मेजर चेंजेज मुझे देखने को नहीं मिले। ऊपर जो है आपको ये मिल जाती है, और इधर जो है आपको साइफन एंटीना मिल जाता है, इधर स्पॉइलर विथ हाई माउंट स्टॉप लैंप, और इधर जो है आपको डिफोगर और रियर वाइपर भी आपको देखने को मिल जाता है। ये टॉप वेरिएंट है, इसके अंदर दो वेरिएंट आपको दिए गए हैं, तो ये टॉप का वेरिएंट है एक्सक्लूसिव, और ऊपर है आपको सनरूफ इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, रियर का प्रोफाइल कुछ इस टाइप का रियर का प्रोफाइल है, यहाँ पे जो है आपको MG का लोगो देखने को मिलेगा, और इधर जो है ZS EV की जो है वेजिंग देखने को मिलेगी, और ये इसकी जो टेल लैंप थोड़ी बदली बुदली सी नज़र आ रही है, और ये LED टेल लैंप आपको देखने को मिल जाएगी। और इधर की बात करूँ तो मैं इधर इंटरनेट इनसाइड आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, मतलब ये कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ आती है। और इधर जो है आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, और कुछ इस टाइप का इसका डिज़ाइन है। रियर पार्किंग कैमरा, यहाँ पे आपका रियर पार्किंग कैमरा मिल जाता है, और पीछे की जो इसका प्लेट है वो कुछ इस टाइप की पीछे की इसका प्लेट देखने को मिल जाती है। और पीछे से भी इसका डिज़ाइन है काफ़ी मस्कुलर लगता है, काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव सा डिज़ाइन है। पर ये इसका बूट स्पेस ओपनिंग करने के लिए आपको MG का लोगो है, इसको ऐसे प्रेस करना है, देन आपको इसको ओपन करना है। तो कुछ इस टाइप का इसके अंदर लगभग 400 लीटर के आसपास जो है शायद बूट स्पेस मिलता है। एग्जैक्ट जो फिगर है बूट स्पेस का वो आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगा। और इसके नीचे ये टायर है, ये देखिए, ये भी सेम प्रोफाइल का टायर आपको इसके अंदर मिल जाता है देखने को। ये यहाँ पे टायर है, इधर जो है आपको इसके अंदर जो है बूट लैंप मिल जाता है, और बाकी इसके अंदर कुछ मिलता नहीं है। ये यहाँ पे
जो है चार्जर इसका मिल जाता है, गाड़ी का चार्जर है ये इसके अंदर, तो यहाँ पे इसके अंदर शिफ्ट किया हुआ है मिल जाता है। इसके अंदर कुछ कीज वगैरह जो है जो यहाँ पे काम आती है, ऊपर पार्सल ट्रे मिल जाती है और यहाँ पे ये कवरिंग पूरी की पूरी मिल जाती है। तो दोस्तों ये है ZS EV का फुल एक्सटीरियर, मैंने आपको दिखा दिया। ऊपर जो रूफ रेल है वो कुछ इस टाइप की रूफ रेल मिलती है, देखिए एक बार और मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप से जो है इसकी रूफ वो डिज़ाइन मिलता है। अब हम चलते हैं इसके अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंटीरियर, इंटीरियर के अंदर क्या चीज़ है। तो चलिए हम चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों अंदर जाने से पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। कुछ ये जो की मिलती है स्मार्ट की, देख लो इसकी है, इसके अंदर लॉक अनलॉक और बूट ओपनिंग का है और पीछे जो है MG का लोगो है, बहुत ही प्यारी की है। और यहाँ पे जो है कीलेस एंट्री और इसके अंदर दोस्तों साथ में एक स्मार्ट की भी आती है जिससे आप मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो। और इसका जो है ये डोर का अंदर का पैनल है, डोर के अंदर यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है और इधर जो है ये सॉफ्ट लेदराइज यूज़ किया गया, ये भी जो है सॉफ्ट लेदर यूज़ किया गया। और ये जो है यहाँ पे ग्रे फिनिश दी गई है जिससे इसका थोड़ा सा लुक है इनहांस होता है। ये लॉक अनलॉक का ऑप्शन है जिसको यहाँ से आप लॉक अनलॉक कर सकते हो। ये जो यहाँ पे आता है इसके साथ वो ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे दे दिया। ये डोर लॉक का ऑप्शन है, यहाँ पे जो चारों पावर विंडो के ऑप्शन है दिए गए हैं आपको और नीचे जो बोतल होल्डर आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस टाइप का इसका डिज़ाइन है और ये जो ब्लैक के साथ ये जो रेड स्टिच है ना, ये बहुत ही शानदार लग रहे हैं। और इसका जो ORBM है दोस्तों वो भी मैं बता दूँ, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORBM है। और इसके अंदर जब अगर मैं बात करूँ इंटीरियर की, सीट है वो हाइट एडजस्टेबल है और आगे पीछे एडजस्टेबल है, 6-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट है। और कुछ इस टाइप का इसका इंटीरियर है, आप देखिए इसके जो कवर है इसके यहाँ पे जो ये चीज़ दी गई ना, लेदराइज सीट है, प्रीमियम, काफ़ी प्रीमियम सीट लग रही है। और इसके ऊपर जो ये जो रेड स्टिच दी गई है ना, ये काफ़ी प्रीमियम है। तो चलिए अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंटीरियर। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर आते सबसे पहले हमारी नज़र आती है स्टीयरिंग पे, स्टीयरिंग लेदर स्टीयरिंग मिलते हैं विद रेड स्टिच, बहुत शानदार देता है। सेंटर में आपको MG का लोगो मिलता है, इधर आपको जो म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल मिल जाते हैं, इधर जो आपको कनेक्टिंग डिसकनेक्टिंग का ऑप्शन मिल जाता है, वॉइस कमांड का ऑप्शन मिल जाता है, ये जो है आपका इंस्ट्रूमेंट पैनल जो है इसको कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है। और ये डी कट यहाँ पे डिज़ाइन दिया गया है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। और ये कुछ इस टाइप का स्टीयरिंग आपको देखने को मिल जाएगा अंदर है। यहाँ पे आपको जो है ये लेदर सा कुछ दिया गया है और इसके अंदर लेदर वाइज चीज़ की गई है। इधर जो आपको ग्रे फिनिश दी गई है, ये AC वेंट्स हैं, AC वेंट्स के चारों ओर दिए हैं। ये आपको जो है AC वेंट्स देखिए, 360 डिग्री AC वेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए ये 360 डिग्री AC वेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके अंदर जो क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है नीचे, ये क्रूज कंट्रोल का पैनल है। और मैं एक बार गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, देखिए इस हिसाब से जो है गाड़ी के अंदर इग्निशन ऑन हो गया, अब गाड़ी स्टार्ट हो गई है। गाड़ी बिल्कुल साइलेंट है, सुपर साइलेंट है, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। और कुछ इस टाइप का जो है इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट पैनल आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए। और इधर जो है आपको इसके अंदर ऑटोमेटिक हेडलैम्प के मिल जाएंगे, नीचे जो है आपको ये जो है ये उसके मिल जाएंगे, क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाएंगे। इधर जो है आपको ये रेन सेंसिंग वाइपर के मिल जाएंगे, नीचे जो आपको ये मैंने दिखाई दिया क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये कुछ इस टाइप का जो है आपको इसके अंदर जो है पूरा इंस्ट्रूमेंट पैनल मिलता है जिसके अंदर कुछ काफ़ी सारी चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है यहाँ पे। और इसको इन्फॉर्मेशन को आप जो है यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, देखिए मैं यहाँ पे बटन दबाऊंगा और सामने जो है चेंजेस होते रहेंगे। ये बैटरी का आ गया, ये आगे की बैटरी कितनी पावर ले रही है, क्या नहीं ले रही, सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में इधर जो है आपको ये स्पीड का मिल जाएगा ऑप्शन कि कितनी स्पीड पे गाड़ी चल रही है, कितनी इधर जो है पावर वगैरह कितनी यूज़ कर रही है, और कुछ इस टाइप का जो है इसके अंदर ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर मैं इधर बात करूँ तो इधर जो है आपको इसके अंदर मिल जाएगा ये 10 इंच का जो है टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा जिसके अंदर काफ़ी कनेक्टेड टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। यहाँ पर देखिए हाई MG रेडियो, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड कारप्ले, जियो साउंड, शॉर्ट पीडिया क्या है आपको न्यूज़ वगैरह के लिए है, जो आपका पूरा वायरलेस है। इसके अंदर आप कोई भी न्यूज़ सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अंदर जो है ये ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश जैसे लैंग्वेज और जो भी ऑप्शंस है आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में आता है इधर जो है आपको 360 डिग्री कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। ये 360 डिग्री कैमरा है, कैमरे की क्वालिटी नॉट अप टू मार्क है, इतनी अच्छी नहीं है जिस हिसाब से गाड़ी के प्राइस है। ये यहाँ पे आप चारों साइड से देख सकते हो कौन कौन सी साइड में क्या क्या ऑप्शंस आपको आने चाहिए, ये यहाँ से टच स्क्रीन से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे 3D भी देख सकते हो, 3D हो गया, और ऐसे पूरा पूरा आप इसको देख सकते हो। और ये यहाँ पे जो है इसके टर्निंग असिस्टेंट डिस्प्ले आ गई, और इसको अब बंद करते हैं हम।
और इसके होम पे चलते हैं। होम पे जाने के बाद में यहाँ पे जो है मोर पे जाएंगे, मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थीम की सेटिंग आ जाएगी, आप थीम जो है चेंज कर सकते हो। और इसके अंदर थीम्स वगैरह आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ से जो है होम बटन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, उस पर दोबारा मोर पे जाएंगे। और ये व्हीकल सेटिंग है, व्हीकल सेटिंग में आप जो है इसके अंदर लैंप वगैरह सेट कर सकते हो, रियर असिस्ट वगैरह कर सकते हो, हिल असिस्ट सेट कर सकते हो, और पेडेस्ट्रियन कंट्रोल वगैरह भी कर सकते हो। इसके अलावा एक आपको शायद दिख रहा है यानी मिरर के अंदर छोटा सा साइन होता है यहाँ पे, तो वो भी आपका जो है हेल्प करता है इसके अंदर। और इससे नीचे मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो है ऐसे करके काफ़ी सारी इसके अंदर टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाती है इसके अंदर। और एंड्रॉयड ऑटो, कार प्ले वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिया, ये मैंने बता ही दिया। वही सेटिंग वगैरह सारी आप जो कर सकते हो इसके अंदर, अकाउंट्स, नेटवर्क, साउंड, लॉक और थीम, टाइम, वॉइस असिस्टेंट, यूजर मैनुअल, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंदर जो है मिल जाती है। इसके बाद में हम यहाँ पे आए, ये बटन्स दिए गए हैं आपको, ये इसका होम बटन है। सपोज करो मैंने यहाँ पे गया हुआ और ये मैंने प्रेस किया तो ये होम पे आ गया। ये वॉल्यूम अप डाउन कम ज़्यादा का है इसका, और ये इसका एसी ऑन ऑफ का है। ये इसका जो है आपको ये मिल जाता है इसका डिफॉगर का, और ये फ़ैन ऑन ऑफ का है। ये टेम्परेचर कंट्रोल का आपको ऑप्शन मिल जाता है इसके अंदर जो है। एक चीज़ और, इसके अंदर इनबिल्ट एयर प्योरीफायर दे दिया गया है। और इसके नीचे बात करूँ तो यहाँ पे जो है 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आपको देखने को मिल जाएगा। इधर है टाइप सी का ऑप्शन मिल जाएगा, इधर जो है USB का ऑप्शन मिल जाएगा, और इधर जो है आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है आपको ये ड्राइविंग मोड दिए गए हैं कि जिस हिसाब से ड्राइव करना, अभी न्यूट्रल पे है, गाड़ी स्टार्ट है, न्यूट्रल पे होगा तो गाड़ी स्टार्ट होगी, फिर इसको जो है रिवर्स कर सकते हो आप। इधर ये जो रिवर्स हो गया, रिवर्स होते ही यहाँ पे कैमरा ऑन हो जाता है। और मैं अब इसको ड्राइव करता हूँ, जैसे मैं ड्राइव पे करूँगा इसको डी है, ये यहाँ पे जो है रेडी का ऑप्शन आ जाता है। और उसके बाद में यहाँ पे ये मोड्स दिए गए हैं सिटी, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इको मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड, आपको जो देख रहा होगा सिटी, नॉर्मल, इको, ऐसे मोड दिए गए हैं। फिर इसके बाद में ये कर्न्स दिए गए हैं, कर्न्स है यहाँ पे आप देखोगे तो इधर 1 2 3 कर्न्स आपको इस साइड में यहाँ पे कॉर्नर पे दिख रहे होंगे, ये कुछ इस टाइप के हैं। इसके बाद में है ये बैटरी का ऑप्शन है, ये बटन दिया गया है। इससे क्या है, जैसे मैं इसको दबाऊँगा तो बैटरी के अंदर कितनी पावर असिस्टेंट वगैरह है वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो कुछ हिसाब इस हिसाब से यहाँ पे ये पार्किंग असिस्ट वाला है, ये मतलब इलेक्ट्रिकल पार्किंग असिस्टेंट, ये ऑटो ऑन ऑफ का ऑप्शन है कुछ। और ये इधर जो है आपको कप होल्डर दिया गया है जिसकी स्लाइडिंग वगैरह है, काफ़ी प्रीमियम है। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसके अंदर जो है ये चीज़ें जो है सीट कंफर्ट वगैरह काफ़ी अच्छा है। इधर जो है आपको इसके अंदर जो है आर्म रेस्ट मिल जाता है इसके अंदर, ये कुछ यहाँ पर लॉक के लिए, बाकी ठीक है। तो कुछ इस टाइप का इसका डिज़ाइन है। यहाँ पर जो है आप अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो है ये इसके अंदर वेंट्स मिल जाते हैं, ये देखिए इसके अंदर वेंट्स मिल जाएंगे। और इधर जो है आपको मैंने पूरा बता ही दिया, इधर जो है आपको इसके अंदर जो है ग्लो बॉक्स मिल जाता है जो डिसेंट ग्लो बॉक्स है। और ये जो है आपको इसके अंदर मैनुअली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, जब इतना पैसा लगा रहे हैं तो इसको भी थोड़ा सा अच्छा कर देना चाहिए। और ये इसके अंदर जो है वन टच सनरूफ वाला ऑप्शन है, देखिए पैनोरामिक सनरूफ है। इसके अंदर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ एक बार, देखिए काफ़ी बड़ी इसकी सनरूफ है। ये इधर जाली वगैरह भी है ताकि मिट्टी वगैरह बाड़ना है, काफ़ी अच्छा इसका ऑप्शन दिया गया इन्होंने। इसके बाद में इधर जो है हेडलाइट, ये जो है इसके अंदर का लैंप वगैरह है, स्टडी लैंप वगैरह आप जो ऑन ऑफ़ कर सकते हो। ये डोर वगैरह बंद ऑन चालू के लिए ऑप्शन है। इसके अलावा इमरजेंसी का भी ऑप्शन। एक चीज़ और इन्होंने बहुत शानदार दी है, अगर पैसेंजर एयरबैग्स है इसको भी आप जो है ऑन ऑफ कर सकते हो। सपोज करो आप अकेले ड्राइविंग कर रहे हो और आपका एक्स्ट्रा बैग है, कहीं इम्पैक्ट ना हो, तो इसके अंदर कहीं ऑप्शन आता है जिससे आप जो है इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये काफ़ी शानदार फीचर लगा। और ये एसी के जो ये 360 डिग्री वाले हैं, इनके एमजी वाले मुझे बहुत पसंद आते हैं। इसके नीचे जो है ये ORBM कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। ये हेडलाइट वगैरह के लिए जो है वो है कि हेडलाइट है, एडजस्टर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। बाकी स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कम्फर्ट है। देखिए इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत ही मतलब कम्फर्टेबल है, मैं बैठूँ आराम से। और इसके अंदर जो है ये आपको जो है एडजस्टेबल आपको जो है ये हेड रेस्ट जो बोलते हैं हेड रेस्ट वाले जो है वो दिए गए हैं। और यहाँ पे जो है आपको ये लॉक अनलॉक का मैंने आपको बताई दिया। अब मैं आपको इसकी जो रियर सीट है वहाँ पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें दी हुई है। तो चलिए चलते हैं हम रियर सीट के ऊपर। तो रियर सीट पर देखिए, अगर मैं रियर सीट पर दिखाऊँ तो रियर के अंदर भी ये जो है ड्यूल टोन के अंदर दिया गया है। ये यहाँ पर ब्लैक कलर है, ये ग्रे कलर से दिया गया है, और ऊपर वाला ब्लैक कलर है, ये क्रोम फिनिश में दिया गया है। इधर जो है कपड़े का यूज़ किया गया है,
और ये इसके अंदर लेदराइज यूज किया गया है, ये पावर विंडो का ऑप्शन है, बोटल होल्डर, डिसेंट बोटल होल्डर आपको जो है देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं अंदर की बात करूँ तो अंदर इसके पीछे भी जो है काफ़ी अच्छे क्यूशनिंग वाले जो है ये दिए गए हैं। और इसके अंदर जो है 6 एयर बैग है, देखिए यहाँ पे सीट के ऊपर कर्टन पे भी यहाँ पे एयर बैग है, तो आप इसके अंदर जो है ऊपर वो नहीं लगा सकते हो। और इसके अंदर बात करूँ तो मैं यहाँ पे जो है आपको ये बुक्स होल्डर दिए गए हैं, और इधर भी बुक्स होल्डर दोनों साइड में दिए गए हैं, पीछे रियर एसी वेंट्स दिए गए हैं, चार्जिंग सॉकेट यूएसबी और टाइप सी वाला जो है चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पे दिया गया है। और ये इसका ऊपर का सनरूफ देखिए कहाँ तक आता है सनरूफ, पीछे की सीट ये है इसके ऊपर तक यहाँ पे तक सनरूफ आता है, तो काफ़ी बड़ा इसका सनरूफ है। और ये देखिए पीछे से जो है आगे का लुक कुछ इस टाइप से MG ZS EV का जो लुक है कुछ इस टाइप का जो लुक हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो है हम्प देखिए बिल्कुल भी हम्प नहीं है यहाँ पे, तो आराम से जो है तीन लोग आ सकेंगे। और ये जो है पीछे का आर्मरेस्ट है, और आर्मरेस्ट के अंदर ये जो है कप होल्डर आपको देखने को मिल जाएगा, इसको आप इधर कर दो काफ़ी अच्छा लगता है। और तीनों के लिए ये चीज़ है, देखिए ये देखोगे आप ना, तीनों के लिए ये हेडरेस्ट पीछे का दिया गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और ये जो है छोटे छोटे ग्लास दिए गए, ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा बड़ा है, तो इससे जो है आपको इतना मतलब अंदर जो है कंजेस्टेड सा फील नहीं होगा, काफ़ी शानदार है। ये देखिए ये एयरबैग का इसका है, यहाँ पे एयरबैग है, ये इसके ग्रैब हैंडल है, और कुछ इस टाइप का इसका इंटीरियर है। तो दोस्तों ये था MG ZS EV न्यू, जिसका इंटीरियर एक्सटीरियर मैंने आपको दिखा दिया। तो दोस्तों ये है MG ZS EV की बैटरी और मोटर का सेटअप, आप देख सकते हो ये पूरा यहाँ से कवरिंग की हुई है, और काफ़ी बड़ी बैटरी है, पहले वाले से ज़्यादा बड़ी बैटरी है। इसके अंदर जो है 53 किलोवाट की जो है बैटरी दी गई है, जो ग्लोबली सर्टिफाइड और सेफ बैटरी मानी जाती है, MG वाले ऐसा बोलते हैं। और इसकी दोस्तों इसकी जो है कंपनी ने रेंज क्लेम की है वो है 461 किलोमीटर, जो 176 PS की पावर देती है। और ये जो है ऑल न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ये गाड़ी आती है। और इसकी जो मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो है 5 साल की अनलिमिटेड गाड़ी की वारंटी है, और 5 लेबर सर्विस है इसके अंदर जो है वो फ्री मिल जाती है आपको। और इसके अंदर जो है बैटरी की वारंटी की बात करें तो इसके अंदर जो है बैटरी की वारंटी है 8 साल की वारंटी मिलती है बैटरी की, और जिसकी जो है अप टू 1,50,000 किलोमीटर के आसपास तक की इसकी वारंटी है। पहले जो है 1,60,000 किलोमीटर की थी, अब जो है 1,50,000 किलोमीटर की इसकी जो बैटरी की वारंटी है। बाकी इसका जो अगर मैं एक्स शोरूम प्राइस की बात करूँ तो जो इसका बेस वेरिएंट है जो 22 लाख के आसपास आता है, और इसका जो ये वेरिएंट है ये 25 लाख के आसपास जो है इसका एक्स शोरूम प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा। और ये है आपका रेडी स्टॉक है, और जो इसका जो बेस वेरिएंट आएगा वो आपका जुलाई से आपका जो असेंबल होना डिलीवरी होना स्टार्ट करेगा। तो दोस्तों ये था ऑल न्यू MG ZS EV का फुल वॉकराउंड रिव्यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।